हैप्पी डे स्टूडेंट्स वेलकम टू सान अकाडमी पल्लिकरनई टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्लास 7 हिंदी। आज हम हिंदी भाषा सातवीं कक्षा। हमारी कविता का नाम है ऊंचाई। अब हम ऊंचाई कविता के बारे में जानेंगे। ऊंचाई कविता के कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी। आप सब लोग जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी कौन है? हाँ, इन्होंने ही अटल बिहारी वाजपेयी है। अब हम जानेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ऊंचाई के बारे में क्या कहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस कविता में ऊंचाई प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के जीवन में रह जाने वाली कमियों की ओर संकेत किया है। कवि कहते हैं कि ऊंचाई पाने की चाह तो सभी करते हैं, पर ऊंचाई की कुछ कमियां हैं। ऊंचाई पर पहुंचकर व्यक्ति अकेला रह जाता है। वहां व्यक्ति अपने लोगों की आत्मीयता से भी वंचित हो जाता है। अत्यंत ऊंचाई पर स्थान इतना कम होता है कि लेटने बैठने की बात छोड़िए, व्यक्ति विश्राम के कुछ पल भी नहीं बिता सकता। इस प्रकार ऊंचाई प्राप्त करने के अपने दुख है। अब हम देखेंगे कि पाठ का उद्देश्य क्या है। कविता का उद्देश्य यह बताना है कि जीवन में हर व्यक्ति की अपनी अपनी खुशियां और दुख होती है, लाभ और हानियां भी होती है। नीचाई पर रहकर व्यक्ति को धन आदि की कमी रहती है, तो ऊंचाई पर जाकर उसे धन सम्मान सब कुछ मिल जाता है, लेकिन व्यक्ति अपनेपन के लिए तरस जाता है। आत्मीयता संवेदना और विश्राम न मिलने के कारण उसे एक अलग तरह की पीड़ा सहनी पड़ती है। इसलिए जो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी यह कहते हैं कि इंसान जितना आगे बढ़ता है उतना ही रिश्तों से दूर हो जाता है। इन पंक्तियों में कवि ने हमें यही समझाया है कि जिसका स्पर्श पानी का पत्थर कर दे और जिसका दर्शन व्यक्ति में हीनता की भावना भर दे,
ऊंचे पहाड़ पर गौरैया अपना घोंसला तक नहीं बना सकती और थका मादा बटोही तक वहाँ ठहर कर विश्राम नहीं कर सकता, क्योंकि न तो वहाँ समुचित स्थान है और न वातावरण, अतः सभी को असुविधा होती है। व्यक्ति के सम्यक विकास के लिए परिवार और समाज का होना भी आवश्यक है। यही व्यक्ति मनुष्यता सीखता है। अपने सुख में स्वयं सुखी होता है और दुख में अकेला रहता रोता है। उसका सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं होता है। अकेला मनुष्य टूट सा खड़ा होता है। समतल वातावरण में ही वह फलता फूलता और विकास कर पाता है। इसलिए विस्तार का होना जरूरी है। समाज में उपलब्धियां, यश, मान और प्रतिष्ठा जितने आवश्यक है उससे भी कहीं अधिक आवश्यक दया, करुणा, परोपकार और सेवा की भावना है, जो समाज में रहकर ही विकसित होती है। इसलिए समग्र समाज का विकास ही कविता का मूल भाव होता है। इसलिए हमें यह जानना चाहिए कि सच में जो मनुष्य ऊंचाइयों पर पहुंचता है लेकिन वह अकेला टूट जाता है। इसलिए जब वह ऊंचाई के साथ साथ विस्तार को भी साथ लेकर चले, अर्थात यश, मान, प्रतिष्ठा भी पास हो और परिवार एवं समाज को सहयोग भी दे, अपना और समाज का सम्यक विकास करे, तभी उसकी उपलब्धियां की प्रशंसा करने वाले लोग भी उसके साथ होंगे और अपनापन पाकर वह भी खुश रह सकतेगा। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को इस कविता के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। धन्यवाद बच्चों।